तो ये बन रहा है लच्छा, लाइव लच्छा। इसके अंदर चीनी डाल दी है, चीनी में कलर किया हुआ है, कलर है ना। ये भाई बनाते हैं लच्छा, लाइव लच्छा बना के देते हैं। ये देखें मशीन चल गई है और लच्छा बनना स्टार्ट हो गया है। इतना ज़बरदस्त लच्छा बन रहा है, ये देखें। एशलिन को स्कूल से छुट्टी हुई तो बाहर खड़े हुए हैं भाई, ये लच्छे बना के दे रहे हैं लाइव। मैंने कहा एशलिन को इधर से ताज़ा लच्छा बनवा के देते हैं। ये बन गया, ये देखो कितना बड़ा है। हाँ, और भी बनाएंगे अभी। ये दोबारा स्टार्ट हो गया बनना। वाह जी वाह, ये देखें जी लच्छा बन रहा है। तो गाइज अभी हम गा रहे हैं, दीदी को मैंने लच्छा लेके दिया है। तो कैवन कह रहा है भाई मैंने भी यही लच्छा लेना है। दीदी का लच्छा तो आते आते रुमाल लगी है भाई पे, मेल्ट हो गया था। तो अब कैवन को मैं लेके जा रहा हूँ साथ। अगर वो भाई उधर ही खड़ा हुआ लच्छे वाला तो उसको लच्छा लेके देता हूँ। तुम्हें भी साथ जाना है, तो फाइनली गाइस आज मामू घर आ गए हैं। मामू का इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मामू ने कहा था कि मेरे लिए एक सूट लेके सिला के रखना, तो सूट तो सिलवा लिया था। लेकिन हमारे साथ कांड ये हो गया है कि टेलर ने जो हमारे साथ धोखा कर दिया है, ओपड़ हो गया। ये देखें सूट उन्होंने सिलाई कर दिया है बच्चों वाला, जिस तरह आजकल बच्चे पहनते हैं, यंग जनरेशन बैन लगा दिया है। और साथ में वो जो नीचे से चोरस कर दी है, मोए मोए हो गया। फ्रंट पे पॉकेट नहीं लगाई, सलवार पे भी पॉकेट नहीं लगाई। तो भाई मेरे मामू जो है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो इस तरह की चीज़ों को उन्होंने फौरन कहा कि मैंने नहीं लेना। तो अब ये मैं दोबारा भी गया हूँ टेलर के पास, तो उसने कहा ऐसे है ऐसे है, आप 400 और दे देना फिर कादर लगा देंगे। मैंने कहा भाई आपसे और भी कपड़े सिलवा लेंगे, हमारी शादी भी है, शादी के भी प्रोग्राम है ना शादिया, शादी पे कितने कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों के भी अपने भी सिलवाने हैं। मेरे भी 5-6 सूट अभी पड़े हुए हैं जो मैंने सिलवाने हैं। तो लेकिन वो भाई जान उसने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है, नुकसान तो मैं पहले भी बर्दाश्त कर लेता हूँ इतने इतने, कोई बात नहीं ये भी कर लेंगे। तो मामू जी को सूट फिर दूसरा हमने अरेंज करके दिया, एक और सूट मेरा पड़ा हुआ था मैंने पहना नहीं है बिल्कुल भी, वो उससे भी अच्छा है, मुझे तो याद भी नहीं था कि वो सूट मेरा है। तो ये वाला सूट फिर इसका देखेंगे कि या तो मैं पहन लूंगा या फिर इस सूट को थोड़ा सा कटिंग शटिंग कर लेंगे, अगर कोई सेटिंग वगैरह करने वाली हुई। नहीं आपको पूरा है मुझे। और ये देखें ये मेरे मामू जी हैं। हाँ जी मामू जी क्या हाल है, ठीक है? अभी आए हैं चिश्तियाँ से, खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है और चाय हमारी रेडी है, अभी चाय पीने लगे हैं। मामू जी खबरें सुनते हैं, बीबीसी लंदन की खबरें, न्यूज वगैरह बहुत सुनते हैं, अभी भी वही सुन रहे थे। चलो ये देखो इतनी बड़ी सलवार है, बाबा को भी बड़ी है और कैवन पहन रहा है। हाँ जी ये क्या कर रहे हो? शाजिया स्कूल से आई है, आके इसने फौरन सबसे पहले मामू जी कह रहे थे कि मैंने खाने चावल और दाल, हमने तो मैंने तो कहा था शाजिया कह रही थी चिकन बना लें, लेकिन मामू जी कह रहे थे नहीं दाल खाने। रहा था मैंने वो शौक से भी खाता, मैं दाल चावल शौक से खाता हूं। फिर दाल चावल बनाई, मजे की बनी, गर्मो गर्म खाए दाल चावल, अभी चाय पी रहे हैं। पंखा हमने बंद किया इस वजह से गर्मी लग रही है, तो मैं कहता हूँ कि वीडियो को एंड ही कर दें, इधर पंखा चला दें, क्या ख्याल है? हाँ जी यही हो सकता है, गर्मी बड़ी लग रही है। मामू हंस रहे हैं कि रोहन भाई को क्या हो गया। हाँ जी कैवन साहब, हाँ जी पंखा चला दे, आप अपनी वीडियो को एंड कर ले। चलो वीडियो को करते हैं फिर इधर एंड। उम्मीद है आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मिलते रहेंगे। ये देखो रोहन साहब कितने मोटे हो गए, ये सही इनको आया सूट। वैसे ये मरियम साहब बस वो मशीन भी ला के रखी हुई है, एक दिन की मैंने, फिर दो दिन छोड़ के एक दिन की है एक्सरसाइज। साहब इतना खुला तो नहीं है, सही है यार, सही है। हाँ मैंने कहा शायद बहुत खुला। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा सूट है, कपड़ा बड़ा अच्छा बेहतरीन है। नहीं ये आप सर्दियों में पहनना। हाँ।
चलें जी ठीक है, पंखा चलाओ फिर वीडियो को बंद करें। चलो मिलते हैं फिर आपको एक नए व्लॉग में।